आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 56 में ऑफ हेलो कोरियन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लेसन में हम जो व्याकरण करने जा रहे हैं ना, वो है गिरोहादा। और डेली लाइफ में ये ग्रामर बहुत यूज़ करी जाते हैं, इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। एक उदाहरण देखिए स्क्रीन पर है, छोनन हंगो गोरल कुंबो हागिरो हेस्सोयो। मैंने कोरियाई भाषा को सीखने का निर्णय लिया है। तो जब हम अपने डिसीजन को, अपने प्रॉमिस को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर ये ग्रामर यूज़ करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इस पाठ के उद्देश्य हैं, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमने पिछले लेसन में भी बताया था उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कि इस लेसन को करने के बाद में जो व्याकरण आपने सीखी है, उस व्याकरण से प्रैक्टिकली आप वाक्य बनाने शुरू कर दें, तभी उद्देश्य पूरा होता है, अदरवाइज नहीं होता। और अगर कोई परेशानी आती है, एक दो बार और सुनिए, क्लियर हो जाएगा। तो इस पाठ के जो उद्देश्य हैं, नंबर वन देखिए, गिरोहादा व्याकरण का उपयोग करके निर्णय या कार्य करने के वादे को व्यक्त करने के लिए वाक्य बनाना। उम्मीद है एम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, पहले इस ग्रामर को समझते हैं। उदाहरण आ गया, छोनन योल शिमी खुम्बु हल्के हो। भाई मैं अब मेहनत से पढ़ाई करूंगा, फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आ गया, ख्योल शिम हेस्सोयो। मैंने ये निश्चय किया है, मैंने ये डिसीजन लिया है। तो अगर आप इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो इसमें स्पीकर है ना, वो अपना डिसीजन बता रहा है। ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर गिरोहादा का यूज करा जाता है। कैसे करा जाता है, देखिए सबसे पहले इसमें वर्ब देखिए कौन सा है। वर्ब है हुम्बोहादा। क्या करिए, इसके साथ में गिरोहादा ग्रामर को जोड़िए पहले, और जब जोड़ेंगे तो ये प्रैक्टिकली है ना, खुम्बु हा गिरो हेस्सोयो में चेंज हो जाएगी। तो जो पहला सेंटेंस था, छोनन योलशिमी खुम्बु हल्के ओ फुल स्टॉप ख्योलशिम हेस्सोयो, वो अब ऐसे एक्सप्लेन करा जाएगा, छोनन योलशिमी खुम्बु हा गिरो हेस्सोयो। मैंने मेहनत से पढ़ाई करने का निश्चय किया है, मैंने डिसीजन लिया है। ध्यान से देखिए पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में क्या हो रहा है, स्पीकर अपना डिसीजन ही बता रहा है, लेकिन बताने का जो मेथड है, जो वे है, वो डिफरेंट है। पहला सेंटेंस बहुत सिंपल सेंटेंस है, छोनन योलशिमी खुम्बु हल्के ओ फुल स्टॉप ख्योलशिम हेस्सोयो। दूसरा सेंटेंस जो लास्ट में बना है, छोनन योलशिमी खुम्बु हागिरो हेस्सोयो। सो प्रैक्टिकली ये व्याकरण आपको सेंटेंस में ऐसे दिखाई देगी। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस व्याकरण को डिटेल में समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो है ना, गिरोहादा किसी कार्य को करने का निर्णय, संकल्प या वादा व्यक्त करने के लिए यूज करी जाती है। 1.1 को देखिए, सरल शब्दों में कुछ करने का निर्णय लिया, संकल्प लिया, वादा किया, निश्चय करा, कुछ करने का मन बनाया। इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसी कार्य का निर्णय बताने या वादा करने के लिए किया जाता है। और जो समान हिंदी अर्थ आएंगे, 1.2 देखिए आप, करने का निश्चय किया, करने का वादा किया। क्लियर हो गया यौरोबन? बहुत इजी ग्रामर है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। बस इतना समझ लीजिए कि गिरोहादा से आप अपना डिसीजन किसी को बता रहे हैं, मैंने ऐसा करने का डिसीजन ले लिया। क्लियर यौरोबन? आगे बढ़ते हैं कंजुगेशन रूल्स की तरफ। गिरोहादा जो है ना, वो सिर्फ जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, क्रिया, उन्हीं के साथ में इसको जोड़ा जाता है। संज्ञा और विश्लेषण के साथ में इसको नहीं जोड़ा जा सकता, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कंजुगेशन रूल्स को और डिटेल में समझते हैं। गिरोहादा जो व्याकरण है ना, क्रिया एक्शन वर्ब किसी भी व्यंजन या स्वर में समाप्त होती है, तो सिंपली आपको जोड़ना है गिरो हादा। पहला उदाहरण देखिए, खादा खागिरो हादा। नंबर टू,
माशिदा माशी गिरोहादा, नंबर 3 मोक्ता मोक गिरोहादा, नंबर 4 दत्ता दत्त गिरोहादा, नंबर 5 मांदलदा मांदल गिरोहादा, नंबर 6 देखिए इक्ता इल गिरोहादा, नंबर 7 जित्ता जित गिरोहादा, नंबर 8 चुपता चुप गिरोहादा, नंबर 9 खुम्बो हादा विल बी खुम्बो हागिरोहादा, एंड नंबर 10 उन्दोंग हादा उन्दोंग हागिरोहादा। बहुत ध्यान से देखिए, कोई चेंज नहीं है। कोरियन भाषा में से कोई भी वर्ब उठाइए, दा को हटाइए और उसके साथ में गिरोहादा जोड़ दीजिए, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अब देखिए, गिरोहादा तक तो हमने कंजुगेशन कर लिया, और आप जानते हैं कि अगर एंड में दा आ रहा है तो हमें एक व्याकरण और चाहिए वाक्य बनाने के लिए। तो गिरोहादा का जो मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है ना, वो भूतकाल के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे गिरो हस्सयो में बदल जाता है या गिरो हस्सम निदा में बदल जाता है। क्यों पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज करा जाता है? भाई डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है, आप कुछ डिसाइड कर चुके हैं, तभी आप इस ग्रामर का यूज करते हैं। इवन वो एक्शन जो है फ्यूचर में हो रहा हो, अगले साल हो रहा हो, नेक्स्ट मंथ में हो रहा हो, तब भी पास्ट टेंस ही रहेगा। आपने आज कोई डिसीजन लिया, फ्यूचर के लिए भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कोई फ्यूचर टेंस की फॉर्म नहीं है। पास्ट टेंस का मतलब ये नहीं है कि इसमें खाली पास्ट टेंस के डिसीजन है, आप फ्यूचर के लिए भी डिसीजन लेते हैं, आज भी लेते हैं। आज कोई डिसीजन लिया, भाई 2 साल बाद मुझे ये करना है, नेक्स्ट ईयर मुझे कोरिया जाना है, तो वहां पर भी इस ग्रामर का यूज करा जाता है। देखिए, अब हम जो इसके स्टेप्स सीखेंगे कि गिरो हादा को पास्ट टेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। नंबर 1 देखिए, खादा गिरो हादा जोड़ दीजिए, पहले ये चेंज हो जाएगा खा गिरो हादा में, उसके बाद जोड़ दीजिए हैसोयो, फाइनली ये चेंज हो जाएगा खा गिरो हैसोयो में। प्रैक्टिकली आपको खा गिरो हैसोयो ही यूज करना है। नंबर 2 देखिए, मोक्ता गिरो हादा जोड़िए, मोक गिरो हादा हैसोयो जोड़ दीजिए, मोक गिरो हैसोयो। नंबर 3 देखिए, मांदलदा गिरो हादा जोड़िए, मांदल गिरो हादा हैसोयो जोड़ दीजिए, मांदल गिरो हैसोयो। नंबर 4 उन्दोंग हादा गिरो हादा जोड़िए, उन्दोंग हा गिरो हादा पास्ट टेंस जोड़ दीजिए हैसोयो, उन्दोंग हा गिरो हैसोयो। सो अगेन वन मोर टाइम, गिरो हादा की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, जब आप वाक्य को बनाएंगे तो वो गिरो हैसोयो में बनेगी या गिरो हैसम निदा में बनेगी। हो गए कंजुगेशन के स्टेप्स क्लियर? चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। दानों कार्ड है यहाँ पर, आपको क्या करना है, हम स्क्रीन पर आपको शब्द दिखाएंगे एक, आपको यहाँ पर गिरो हैसोयो जोड़ के इसको कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट कर दीजिए, बताइए नंबर 1 का क्या होगा। वेरी गुड, छारे सो रोमन इल किरो हैसोयो। नंबर 2 पोदा, बताइए आप ही बताएंगे, यस पो गिरो हैसोयो। कुछ देखना ही नहीं है, वर्ब है, बस दा हटाइए और गिरो हैसोयो जोड़ दीजिए, ग्रामर इज ओवर नाउ। नंबर 3 मन्ना दा, बताइए, ने मन्ना गिरो हैसोयो। नंबर 4 मार हा दा, मार हा गिरो हैसोयो। नंबर 5 इयागी हा दा, इयागी हा गिरो हैसोयो। हो गया कंजुगेशन परमानेंटली क्लियर? नहीं, चार हैसोयो रोमन। कुछ उदाहरण और देखते हैं अभी। देखिए नंबर 1 है, ए का जो स्टेटमेंट है वो ये है, इबॉन ह्यूगाते मोहा गिरो हैसोयो, इबॉन ह्यूगाते मोहा गिरो हैसोयो, हागिरो हैसोयो। क्या शो कर रहा है भाई? आपने जो अभी छुट्टियां आने वाली है ना, उसमें क्या करेंगे, आपने क्या डिसीजन लिया है, क्या निर्णय लिया है? तो बी ने रिप्लाई करा, भाई मैंने तो चिंगू दरहागो जेजू दोए यो हेंगल खागीरो हैसोयो। खागीरो हैसोयो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? भाई मैंने ये फैसला किया है, मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जेजू दो, आप जानते हो बहुत फेमस आइलैंड है कोरिया में, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर जाने का मैंने फैसला किया है। इस पहले उदाहरण से गिरो हैसोयो की क्लैरिटी हुई, कैसे अपना डिसीजन बताया जा रहा है छुट्टियों में, मैं क्या करूंगा,
ट्रैवल पे जाऊंगा। करिए आज से इस ग्रामर को यूज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखिए। ए ने न्योने मुसुन खेवे की इस्सोयो, भाई अगले साल के लिए आपकी क्या योजना है, क्या प्लान है आपका। तो बी ने रिप्लाई करा, भाई हंगो गेसो खुम्बु हागिरो हेस्सोयो, मैंने डिसीजन लिया है कि भाई मैं कोरिया में जाके पढ़ाई करूंगा, मैंने कोरिया में पढ़ने का फैसला किया है, डिसीजन लिया है। समझते जाइए गिरो हेस्सोयो का यूज योरोमन। नंबर थ्री को देखिए, छोनियो गे मो हाल को है यो, आप शाम को क्या कर रहे हैं, भाई आज शाम का आपका प्लान क्या है, क्या डिसीजन लिया, आप क्या करेंगे आज शाम को। भाई डिसीजन लिया आज तो भाई एक्सरसाइज करेंगे। दे दीजिए जवाब, उन्दोंग हागिरो हेस्सोयो, उन्दोंग हागिरो हेस्सोयो। एक और उदाहरण देखिए नंबर चार को, चुमारे मो हागिरो हेस्सोयो, इस वीकेंड पर आपने क्या करने का फैसला किया है, निर्णय लिया है, भाई इस वीकेंड पर तो मूवी देखने जाएंगे। अब आप प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में एंटर हुई है और गिरो हेस्सोयो व्याकरण का उपयोग करके अपने आप सेंटेंस बनाइए। आप किसी को बताना चाहते हैं अपने वीकेंड का प्लान, मूवी देखने का प्लान है, ऐसे बनेगा चिंगू हागो योंग वारल पो गिरो हेस्सोयो, या फिर छोनन योंग वारल पो गिरो हेस्सोयो। क्लियर हो गया योरोबुन। एक और उदाहरण देखते हैं, लास्ट है ये नंबर फाइव। युकीशी ने न्योने मो हल कोए यो, युकीशी ने न्योने मो हल कोए यो हंगुक वेसाए श्वीजी खागिरो हेस्सो यो, भाई मैंने डिसीजन लिया है अगले साल है ना मैं कोरियन कंपनी में जॉब को जो है पाने की कोशिश करूंगा, नौकरी करने की कोशिश करूंगा, कोरियन कंपनी को ज्वाइन करूंगा मैं जॉब के लिए, ये मेरा अगले साल का डिसीजन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कितनी यूजफुल प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट ग्रामर है ये। इस पे पूरी कमांड बना लीजिएगा और आसान है, मुश्किल नहीं है ये। कुछ अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्ब का, इसको यूज करते हुए आपको इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। नंबर वन देखिए, ए ने बोला इरियो इरे मोहागिरो हेस्सोयो हंगो गुमशिगल मांदल दा है, यहाँ पर बहुत आसान है, दा को हटाइए गिरो हेस्सोयो जोड़ दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, भाई मैंने कोरियन फूड बनाने का डिसीजन लिया है। नंबर टू देखिए, पांघाक ते मोहा गिरो हेस्सोयो योहेंगल, यस ब्रैकेट में खादा है, अब आप बताएंगे इसका आंसर, बताइए, बहुत आसान है योरोबोन, ने छा रेस्सोयो, वाह। नंबर थ्री, सेहे ए खेवी की इस्सोयो, सेहे होता है न्यू ईयर, भाई न्यू ईयर पे ना हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, निश्चय करते हैं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो उसमें एक ये भी आता है, भाई आई विल क्विट स्मोकिंग, तो ताम्बेरल कर दीजिए इसको कंप्लीट, यस ठीक है आंसर्स, यस। अब आपको फील हो गया होगा बहुत इजी ग्रामर है और बनी है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इस ग्रामर की। देखिए किसी भी ग्रामर को सही यूज करने के लिए ये रेफरेंसेस पर ग्रिप होना कंपलसरी है। पहले रेफरेंस को देखिए, नंबर वन, भूतकाल जो आता है ना वो गिरो हादा से पहले नहीं आ सकता, भाई इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब है इसका। नंबर 1.1 देखिए आप, छोनन की छारल था गिरो हेस्सोयो, सो थागीरो हेस्सोयो में ऑलरेडी एक पास्ट टेंस आ रहा है हेस्सोयो में, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1.2 उदाहरण आप देखिए, छोनन की छारल थागीरो हेस्सोयो, यहाँ पर एक और पास्ट टेंस लगा देंगे, ये सेंटेंस 100% रॉन्ग है। तो ध्यान रखिएगा ऑलरेडी एक हेस्सोयो में पास्ट टेंस आ रहा है, तो दूसरा पास्ट टेंस किस लिए लगाना, पास्ट टेंस नहीं जोड़ा जा सकता वर्ब के साथ में। क्लियर हो गया योरोमन। सेकंड देखिए, गिरो हादा दोनों ही स्थितियों में वादा करने के लिए उपयोग किया जाता है, अपना डिसीजन बताने के लिए उपयोग किया जाता है। दो डिसीजन, ये दो स्थितियां कौन सी होती हैं, तो या तो मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ या फिर मैं किसी और को कर रहा हूँ, दोनों ही सिचुएशन में ये यूज होगा। 2.1 को देखिए, उरी नन नेल मन्ना गिरो हेस्सोयो, 2.2 छोनन नेल बुत्तो इल्चिक इरो ना गिरो हेस्सोयो, इस तरह से हो गया क्लियर। थर्ड रेफरेंस देखिए आप,
गिरोहादा मुख्य रूप से भूतकाल के वाक्य के साथ में प्रयोग किया जाता है, जैसे गिरो हेस सोयो और गिरो हेस संविदा। पॉइंट वन देखिए यहाँ पर, नेल खुम्बु हागिरो हेयो, भाई मैं डिसीजन ले रहा हूँ कल मैं पढ़ाई करूंगा। 3.2 को देखिए, नेल खुम्बु हागिरो हापशिदा, भाई कल पढ़ने का निर्णय ले लेते हैं, कल पढ़ने का डिसाइड करते हैं। ये वाली फॉर्म भी पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। मेजॉरिटी में आपको ये गिरो हेस सोयो और गिरो हेसम निदा में ही मिलेगी, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर कोई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस मिल जाए, भाई ये तो गलत है, नहीं वो गलत नहीं हो सकता। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट रेफरेंस है, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें गिरो हादा में जो हादा है ना, हादा को रिप्लेस करा जाता है ख्योलशिम हादा, ख्योलजोंग हादा, याक्सो हादा, छोंग हादा, मामोक्ता जैसे जो डिसीजन मेकिंग वाले जो वर्ड्स हैं ना, उनसे बदला जा सकता है। लेकिन इससे ना वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता, देखिए नंबर वन, 4.1 को देखिए, नेइल मन्ना गिरो ख्योलजोंग हे हो। 4.2, चुमारे मन्ना गिरो याक्सो घाजा। 4.3, वे सारल खुमान दु गिरो माम मोगसोयो। एंड नंबर 4.4, सेहे ए थाम बेरल कुन किरो ख्योल शिम हेस्सोयो। सो ये वाले फॉर्म्स भी आपको मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे तो। अब हेस्सोयो को रिप्लेस कर दिया गया डिसीजन और प्रॉमिस वाले जो दूसरी क्रियाएं थी, जो दूसरे वर्ड से, उनसे रिप्लेस करा जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस भी आपको मिलेंगे, मीनिंग सेम ही रहेगा, भाई हमने ये करने का डिसीजन लिया है, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, नंबर वन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, आप इसका रिपीटेशन करिएगा साथ साथ में। मेल उन्दोंग हागिरो हेस्सोयो। नंबर टू, चिंगुरल मन्ना गिरो हेस्सोयो। नंबर थ्री, योलशिमी खुम्बु हागिरो हेस्सोयो। नंबर फोर, हंगु गोरल फेउ गिरो हेस्सोयो। नंबर फाइव, सा न्योन हुए ख्योरोन हागिरो हेस्सोयो। नंबर सिक्स, थोयो इरे शॉपिंग हागिरो हेस्सोयो। नंबर सेवन, कौनगांग हान उमशिगल मोक गिरो हेस्सोयो। नंबर एट, चिंगू हागो योंग वारल फो गिरो हेस्सोयो। एंड नंबर नाइन, हंगुक बेसाए छुईजी खागिरो हेस्सम निदा। नंबर टेन, ने न्योने हंगुक योहेंगल खागिरो हेस्सम निदा। तो उम्मीद है कि अब ये क्लियर हो गया होगा। इस लेसन को अब रैप अप कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें एक व्याकरण करी है गिरोहादा, ये किसी कार्य को करने का निर्णय, संकल्प या वादा व्यक्त करने के लिए यूज करा जाता है इसको। सरल शब्दों में, कुछ करने का निर्णय लिया, संकल्प किया, वादा किया, निश्चय करा, कुछ करने का मन बनाया। समान हिंदी अर्थ है, करने का निश्चय किया, निर्णय लिया, वादा किया, संकल्प लिया। नंबर चार को देखिए, कंजुगेशन बहुत आसान है, कोरियन भाषा का कोई भी वर्ब लीजिए, दा को हटाइए, गिरो हादा जोड़ दीजिए, गिरो हादा के बाद में हेस सोयो या हेसम निदा जोड़ दीजिए कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। और आप जानते हैं मुख्य रूप से भूतकाल के साथ ही प्रयोग किया जाता है, गिरो हेस सोयो और गिरो हेसम निदा फॉर्म के साथ में। खमसा योरोबन। और नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे जो व्याकरण है ऊ म्योन सो। और आप कोरियन भाषा सीख रहे हैं तो आपको कोरियन कल्चर भी साथ में सीखना है, कल्चर को सीखे बिना भाषा कभी नहीं आती। और कल्चर को सीखने के लिए कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया का जो वेबसाइट है, होम पेज है, SNS, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक बहुत ही अच्छी जगह है, आपको सारी आपकी जो नीड्स है कोरियन लैंग्वेज और कल्चर की वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो चेक करिए, अभी जाइए कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया के होम पेज पर, आपको इवेंट्स, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन कल्चर क्लासेस आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज कोरिया के बारे में इंक्रीज कर सकते हैं। सो कम सामिदा योरोमन अन्योंगी खेशुक्षियो भावे बेलती।